ASN24 पल पल की खबर। स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने पूरे ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। आजाद भारत में उनकी प्रतिमा उपेक्षित है। करतला विकास खंड के ग्राम पंचायत बोतली में स्थापित है उनकी प्रतिमा की नाक टूटी है, खड़ाऊ खंडित हो चुकी है, आंखों पर लगा गोल कांच का चश्मा गायब हो चुका है, गले पर पड़ी खादी की माला काली हो चुकी है। महात्मा गांधी की प्रतिमा का ये हाल कई साल से है। इस प्रतिमा की हालत सुधारने का काम कभी नहीं हुआ। 2 अक्टूबर को जयंती और 30 जनवरी को पुण्यतिथि के पहले प्रतिमा की सफाई और काम चलाओ मरम्मत के सिवा कोई काम नहीं हुआ। सड़क पर उड़ती धूल के बीच अहिंसा के पुजारी की प्रतिमा को उसी हाल में छोड़ दिया गया है। गांव के मेन चौराहा पर प्रतिमा स्थापित है, उसी रास्ते से होकर शिक्षक भी अपने स्कूल बच्चों को पढ़ाने जाते हैं और गांव के आने जाने वाले सभी ग्रामीण इसी रास्ते से पार होकर जाते हैं। मगर यह समझ में नहीं आता कि गांधी जी की टूटी हुई प्रतिमा को सुधार कार्य क्यों नहीं करवाया जा रहा है, इसकी नियमित सफाई भी नहीं होती। प्रतिमा की नाक टूटने सहित अन्य टूट फूट गई है। मरम्मत का काम सफाई से न होने के कारण नाक का टूटा हिस्सा दूर से देखा जा सकता है। मरम्मत बारीकी से न होने के कारण प्रतिमा के खंडित हिस्से पर लगी सीमेंट साफ दिख रही है। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि गांधी जी की ऐसी स्थिति बरसात के दिनों में हो जाती है, मगर हम लोग 2 अक्टूबर आने से पहले गांधी जी की मूर्ति को बनवाकर गांधी जयंती मनाते हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गांधी जी का चश्मा भी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चुरा कर ले गया है। कंडीशन तो अभी बरसात में थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन हर 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं हर साल। गांधी जी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए, स्वच्छ भारत मिशन जय वगैरह वगैरह बहुत सारे काम किए। अभी बरसात है, इस 2 अक्टूबर के आते आते इसको पोताई पेंट सब करा लेंगे हम लोग और गांधी जी के पुण्यतिथि मनाते हैं। तो खाली 2 अक्टूबर को ही उसका देख रेख होता है, बाकी दिन? बाकी सब दिन होता है, लेकिन अभी बरसात है ना, तो उसके लिए साथ साथ जन ही है। आज़ाद किए हैं गांधी जी हमारे देश को। वो बहुत अच्छे इंसान थे, नेक थे। उसकी स्थिति एकदम खराब है, अभी उसका कोई देख रेख नहीं कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं कर रहे हैं देख रेख? पता नहीं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वहाँ मनाते हैं? नहीं मनाते हैं। अच्छा। चाहिए उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो गांव वाले क्या ध्यान नहीं देते हमारे गांव के? नहीं होना चाहिए, यहाँ के लोग वैसा कर दिए हैं। जो चश्मा था उसे भी चुरा कर ले गए। उनका तो अतुलनीय योगदान है हमारे देश के लिए। उन्होंने ही आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया और फिर बलिदान हो गए। यहाँ के सरपंच को जो पहले थे वो तो बेकार थे, अब नया बने हैं, वो कुछ ध्यान देंगे अब। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।